आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने मिलकर स्वराज इंडिया नाम से नया राजनीतिक दल बना लिया है। पार्टी की घोषणा शनिवार को दिल्ली में की गई। प्रोफेसर योगेंद्र यादव को स्वराज इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जबकि प्रशांत भूषण स्वराज अभियान के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं पार्टी में अजीत झा को महासचिव और फहीम खान को कोषाध्यक्ष चुना गया है। पार्टी गठन के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि पंजाब में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प की जरूरत है, अगर वैकल्पिक ताकतें साथ में आती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमने अन्ना आंदोलन के समय एक आदर्श राजनीतिक दल का सपना देखा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस सपने को तोड़ दिया। आज फिर हम उस सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। इसको बदलने के लिए बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से बाहर निकले थे, वो बिल्कुल ठगा महसूस करने लगे थे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हुआ और उन्होंने सब उसूलों को छोड़कर वही जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है वो सब करना शुरू कर दिया। समय और ऊर्जा देना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा का संकलन करके उसको सही दिशा में लगाने के लिए एक संगठन होना चाहिए, तब हम लोगों ने स्वराज अभियान का गठन। पहला दावा कि ये देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आरटीआई को स्वीकार किया है, जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर रही है, और सिर्फ पार्टी के मेंबर नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के लोग नहीं, जनता में कोई भी व्यक्ति हमसे पूछ सकता है आपकी मीटिंग के मिनट्स कहाँ हैं, आपने फंड कहाँ से लिए हैं, आपके पदाधिकारी कौन हैं, फला निर्णय का क्या कारण है। तो हमने तय किया है कि कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सवाल को छोड़ के हमारी पार्टी व्हिप का इस्तेमाल नहीं करेगी।